सियासत की करेंगे, क्योंकि यूपी में बीजेपी के पास राम है, तो अब एसपी और बीएसपी ने भगवान परशुराम का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव और मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में 11% ब्राह्मण वोट पर सेंध लगाने के लिए परशुराम को राजनीति के अखाड़े में ला चुके हैं। सियासत में फंसे परमवीर परशुराम भगवान, अखिलेश और मायावती का ब्राह्मण कार्ड, ...2022 के चुनाव में परशुराम के नाम पर दंगा। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने परशुराम भगवान को राजनीति के केंद्र में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियां परशुराम के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उन्हें सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी, अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन अगर एसपी और बीएसपी को एक मुश्त मिल जाए तो सत्ता में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लिहाजा बुआ ने भतीजे पर भी प्रहार करने में देर नहीं लगाई। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासन काल में ही लगा देना चाहिए था। उधर बीजेपी ने बीएसपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन 2 साल बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद का, ये देखने वाली बात होगी। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।